हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से घर पर बैठे ऑनलाइन अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कर सकते हैं 2020-21 सेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने बच्चे का एडमिशन ऑनलाइन कर सकते हैं 2020-21 सेशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, और गूगल पे एक वेबसाइट है जो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये है kvsangathan.nic.in। आपको ये खोल लेना है और इस पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जो भी अनाउंसमेंट इन्होंने कर रखी है एडमिशन से रिलेटेड। तो मैं इनकी एक ये नोटिस को ओपन कर लेता हूँ केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन न्यू दिल्ली एडमिशन नोटिस है 2020-21 सेशन के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो क्लास फर्स्ट के जो केंद्रीय विद्यालय अकेडमी के 2020-21 में जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो 20 तारीख से स्टार्ट होंगे, यानी कि 20 जुलाई से। और वो आपको जो लास्ट डेट है इसकी वो है 7 अगस्त 2020। तो इनकी वेबसाइट ऑफिशियल ये है kvsonlineadmission.kvs.gov.in। तो यहाँ से आपको एडमिशन करना पड़ेगा। नीचे मैं कुछ और बातें बता देता हूँ। तो ये तो था फर्स्ट क्लास के लिए, अगर आप एडमिशन कर रहे हैं तो यहाँ से। और कह रहा है रजिस्ट्रेशन आप अगर क्लास सेकेंड या उससे ऊपर अगर कर रहे हैं तो वो भी आपका 20 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है 8 बजे से, और टाइम उसका जो है क्लोजिंग का वो है 25 अगस्त। और ये फ्रेंड्स ये ऑनलाइन नहीं है, ये बल्कि ऑफलाइन है। आपको स्कूल में विजिट करना पड़ेगा इसके लिए। और जो क्लास 11 के एडमिशन है केंद्रीय विद्यालय में, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, यानी कि जो अभी मैंने वेबसाइट खोली है kvsangathan.nic.in से, आपको डाउनलोड करना है और आपको ये फिल करके स्कूल में सबमिट करना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे कुछ एक चीज़ बोल रखी है इन्होंने फिलहाल, क्योंकि अभी आप को पता ही है कि COVID-19 जैसी सिचुएशन चल रही है इंडिया के अंदर, तो इसलिए आपको कोई भी स्कूल अभी एंटरटेन नहीं करेगा और आप वहां पे नहीं जा सकते स्कूल में अभी ऑफलाइन एडमिशन के लिए। तो इन्होंने कहा है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन या एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे फिल करना है, उसके बाद इनकी रिस्पेक्टिव वेब्स जो स्कूल की ईमेल एड्रेस है उस पर आपको मेल करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ, काइंडली फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्कैन इट एंड सेंड इट टू द कंसर्न्ड केंद्रीय विद्यालय थ्रू ईमेल ओनली, ठीक है। और आप प्रिंसिपल या फिर एडमिशन इंचार्ज को कांटेक्ट कर सकते हैं ओनली व्हेन जब आपको टाइम स्लॉट दिया गया है, यानी कि एडमिशन के लिए। तो चलिए यहाँ से हम वेबसाइट खोल लेते हैं kvsonlineadmission.kvs.gov.in। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब क्लिक टू रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है, दिस पोर्टल इज एक्सक्लूसिवली फॉर अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू स्टैंडर्ड फर्स्ट इन केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21। तो इस पोर्टल से आप इंडिया में किसी भी केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड से ऊपर करना है तो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कह रहे हैं ये कि और आपको जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो आप सिंगल एप्लीकेशन फाइल करें ना कि मल्टीपल। अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल की है तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशन आपने की है सेम स्कूल में और सेम चाइल्ड के लिए, तो आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी बेकार हो जाएगी और आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको यहाँ पे पहले से तैयार करके रखना है एडमिशन के लिए। तो कहता है मोबाइल नंबर जो कि इंडियन सिम कार्ड हो, उसका वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, डिजिटल फोटोग्राफ होनी चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ जिस बच्चे की आप एडमिशन कर रहे हैं उसका, उसके बाद चाइल्ड के बर्थ सर्टिफिकेट और ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं तो। तो ये बातें थी कुछ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दूं एक और दो तीन चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स आपको दो स्टेप में फुलफिल करना है अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है पोर्टल पे, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना है।
उसके बाद नीचे फ्रेंड्स कुछ ऑप्शंस भी है, जिससे मैं अभी इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं दो तीन वैसे बता देता हूँ कि अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप उसे कैंसिल करके सेम लॉगिन आईडी से दोबारा अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे टिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम चाइल्ड का यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बच्चे का मिडल नेम डालना है, अगर मिडल नेम नहीं है तो आप लास्ट नेम डाल सकते हैं, अगर लास्ट नेम में तो मैं लास्ट नेम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नीचे पूछ रहा है इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, क्या आपका बच्चा वो दिव्यांग है, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है चाइल्ड की। एक बात बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है मिनिमम जो एज है वो 5 ईयर से फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए और मैक्सिमम 7। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपका जो बच्चे की एज है वो मिनिमम कम से कम 5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 7 साल। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मैंशन कर देनी है। सो फ्रेंड्स इस वाले पॉइंट में आपसे पूछ रहा है कि क्या जो आपका बच्चा जो एडमिशन ले रहा है क्या वो केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो एम्प्लॉई है उसका बच्चा या फिर पोते या पोता तो नहीं है, अगर है तो आपको यहाँ पे चूज करना है। फिलहाल ये नॉट एप्लीकेबल है इस केस में। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस मेंशन करना है आपको यहाँ पे, तो मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर डालना है और इसी मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा, तो मैं एंटर कर देता हूँ फ़ोन नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना है, तो मैं कैप्चा एंटर कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको रजिस्टर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स ये पहला स्टेप है, जब ये आप कर लेंगे तो इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिलहाल आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, उसके बाद OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे जो अभी आपने यहाँ पे एंटर किया है, तो वो आपको एंटर करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना है जो आपको ऊपर शो कर रहा है, तो मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो ये पहला स्टेप था, आपको पहले रजिस्टर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉग इन आई डी और ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी दे रही है, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है या फिर आप इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं। इसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप एडमिशन का फॉर्म फिल करेंगे। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गए। अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लॉगिन करके हमें क्लिक अपना यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करके लॉगिन कर लेना है। तो जो अभी आपने देखा इससे पहले उस पर आप लॉगिन कोड आपको दिख रहा होगा, आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करें और लॉगिन करें। सो फ्रेंड देखिए मैं अब लॉगिन कर रहा हूँ, आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और आपको लॉगिन करना है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपका जो है एडमिशन फॉर्म वो आ चुका है। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चे के लिए एडमिशन फॉर्म है, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भरना इस फॉर्म को। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम और डेट ऑफ बर्थ और डिफरेंट लेबल, ये तो ऑलरेडी हमने पहले ही फिल कर दिया था, तो ये ऑटोमेटिकली ले रहा है अपने आप ही। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स बच्चे का, तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ जैसे फीमेल सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया है वेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी। अगर यहाँ पे आप मेल सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट की है क्योंकि ये इसका जो जेंडर है स्टूडेंट का यानी कि जिसका एडमिशन करने वाले हैं हम, ये फीमेल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्या ये जो आपकी बच्ची है वो इकलौती है आपकी, अगर हाँ तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नो तो आप नहीं पे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिलहाल मैं एक ऑप्शन और दिखाता हूँ, अगर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये आपसे पूछेगा कि क्या आपकी जो बच्ची है ट्विन या ट्रिपलेट तो नहीं है, और अगर है तो क्या वो भी इसमें एडमिशन ले रही है। तो अगर आप ऑप्शन में यस है तो आप यस पे क्लिक करना है, अगर नो है तो नो पे। फिलहाल इस वाले में सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी नहीं है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद ये पूछ रहा फैमिली इनकम ग्रुप कितनी है, तो ये पूछ रहा है कि डोंट बिलो द लो इनकम ग्रुप,
यानी कि लो इनकम ग्रुप से नीचे नहीं है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जो है गवर्नमेंट का आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर लगाना पड़ेगा अगर आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो, उससे उससे पहले आपको ये बनवाना पड़ता है। उसके बाद बीपीएल कैटेगरी में बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं इस पर बीपीएल पे सेलेक्ट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बीपीएल सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू मांग रहा है। तो अगर आपका बीपीएल, अगर आप हैं बीपीएल, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। फिलहाल ये नॉट बिलो द लो इनकम है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है फ्रेंड्स, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो ये जनरल कैटेगरी में आती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप यहाँ पे बच्चे का देना है, तो आपको चूज कर लेना है बच्चे का ब्लड ग्रुप, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट आ गया है, और इसमें आपको यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे मदर नेम पूछ रहा है, तो उसका टाइटल आपको देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मदर का फुल नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मदर नेम। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेशनैलिटी चूज करनी है मदर की। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर की डिटेल करनी है, तो यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। उसके बाद फादर का फुल नेम आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको फादर की नेशनैलिटी चूज करनी है, इंडियन है या फिर अदर कंट्री के हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंस एड्रेस टू ऑटोफिल फादर्स रेजिडेंस एड्रेस, तो आपको यस पे क्लिक करना है अगर आपके फादर और मदर का, यानी कि बच्चे के फादर और मदर का एड्रेस सेम है। तो मैं यस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको मदर की सारी डिटेल्स फिल करनी है एड्रेस की, वो ऑटोमेटिकली आपके फादर की डिटेल्स में ऑटोमेटिकली फिल होती चली जाएगी। तो चलिए ये फिल कर देते हैं। सो फ्रेंड जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, कंट्री स्टेट और सिटी और घर का एड्रेस और पिन कोड, तो इसी तरीके से फिल कर लें। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी पूछ रहा है, ये क्योंकि ये ऑप्शनल है तो आपको फिल करना है तो फिल कर सकते हैं, और नहीं करना तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है फ्रेंड्स प्लीज़ फिल द बेलो इन्फॉर्मेशन इफ़ मदर इज़ और वॉज वर्किंग, कि आपकी मदर या फादर दोनों काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो मदर फिलहाल हाउसवाइफ हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, और फादर काम करते हैं, तो ऑक्यूपेशन यहाँ पे आपको टाइप करना है, तो मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अब पूछेगा कि आपको कौन से विद्यालय में एडमिशन चाहिए। तो सबसे पहले आप को एडमिशन के लिए स्टेट चूज करना है पहले। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट स्कूल, तो आपको स्कूल सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो मैं जो आसपास का एरिया है उसके अकॉर्डिंग स्कूल आपको चूज करना है, तो मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ एक एक करके। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक स्कूल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें आप दो या तीन स्कूल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये बिना किसी प्रेफरेंस के होगी, यानी कि इनमें से किसी में भी आपका नाम आ सकता है। ये नहीं कि आपने पहला ये दिया है तो इस पर ही आएगा, तो ये तीन आप दे सकते हैं, कम से कम एक आपको देना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मैं एक ही दे रहा हूँ क्योंकि इसमें एडमिशन चाहिए जो स्कूल है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड की आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहा है प्लीज अपलोड पीडीएफ एंड जेपीजी फाइल्स ओनली, और मैक्सिमम साइज जो होगा वो 256 KB का होगा, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको ये अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपका साइज जो है पीडीएफ फाइल या फिर फोटो का वो ज़्यादा है, तो उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं गूगल पे जाके। तो चलिए मैं यहाँ पे फाइल अपलोड कर देता हूँ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो चाइल्ड का है उसका प्रूफ। सो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस स्टूडेंट का, यानी कि इस जो एप्लीकेंट है बच्चे का जो जिसका एडमिशन हो रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे कर दिया है और उसे अपलोड कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, उस बच्चे का जो है फोटो, आपको पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करनी है और यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो चलिए मैं भी वो कर देता हूँ मैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपलोड करना है इसे भी। सो फ्रेंड्स ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 256 KB से कम का होना चाहिए, तभी आप इसे अपलोड कर पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा आपका साइज़ है फ़ोटो या फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स का, तो उसे आप गूगल पे जाके कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन बोलेगा अब ये देने को, तो आपको डिक्लेरेशन पे आई हैव रेड द अबव मेंशन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एग्री विद देम सेव टू प्रीव्यू करना है।
तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेनी है प्रीव्यू पे करके। तो मैं चेक कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने प्रीव्यू करके चेक कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यस सबमिट पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपका इसमें तो इस पे देखिए एक ओटीपी मांग रहा है जो कि अभी आपके फ़ोन पे आएगा, तो आपको ओटीपी एंटर करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हो योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और आपका जो जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका प्रिंट लेना है, प्रिंट आउट लेना है, या फिर इसे पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे चेक करता रहना है कि आपके बच्चे का जो एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, और सो आप रेगुलरली चेक करते रहें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए 2020 और 21 एकेडमिक सेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।